हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर 2.0 की सीरीज में हम लोगों को 1.0 और 2.0 कहां से ट्रेड मिला था। आज निफ्टी में बहुत अच्छा एक मूवमेंट रहा, दोनों ही तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही मूव किया। पहले निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी में लाइव में मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक रजिस्टेंस ड्रॉ करके दिया था, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस था। इसी के आसपास आने के बाद निफ्टी एक सपोर्ट लेकर वापस ऊपर गई, ऊपर से फिर से निफ्टी ने एक बड़ा फॉल दिया नीचे की डायरेक्शन में। तो ये किस तरीके से आप ये फॉल कैच कर सकते थे, यहाँ पर इतना बड़ा फॉल निफ्टी में आ जाने के बाद वापस से फिर से निफ्टी सपोर्ट एरिया के पास आकर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये ईएमएस में एक बार हटा देता हूँ तो आप लोगों को क्लियरली चार्ट देख पाओगे। यहाँ पर मैंने एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से दिया था, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली देखो, हाई जो लगाया 1:2.52 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको यहाँ पर मिला, मतलब 92 स्टॉप लॉस के सामने आपको 232 रुपए का टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी में आज हमें मिला था। मैंने नए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आने वाले टाइम में फ्री लर्निंग मटेरियल, वीडियोज और उस सब की लिंक्स जो है वो टेलीग्राम चैनल में ही आपको मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और कम्युनिटी बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा कि आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच, तो मैं आपका एडमिशन वहां पर कर लूंगा। उसकी फीस रहेगी 2500, 2500 उसकी फीस रहने वाली है, और बहुत लिमिटेड सीट्स में लेने वाला हूँ। तो आप लोगों को कम्युनिटी अगर ज्वाइन करना है 1 मंथ का, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और सीख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो आप लोग। तो निफ्टी की अगर बात करें हम लोग, तो निफ्टी में यहाँ पर हमें एक सपोर्ट था प्रीवियस डे पर। निफ्टी हम एनालिसिस करेंगे 15 मिनट चार्ट्स में, और कहाँ पर ट्रेड मिल सकता था आप लोगों को वो हम अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया निफ्टी ने, 19,230 के पास एक सपोर्ट लिया। हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पर था एग्जैक्टली, हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यही पर था, और ये धीरे करके मतलब ये ऊपर जब जाने लगा था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वहाँ पर शिफ्ट हो गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा चार्ट पर 2.0 में, ये कॉल राइटर जो है वो 10:15-11 बजे के आसपास जो है वो कॉल राइटर बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। 250 के लेवल पर ये बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, वापस ये गिरना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 200 के लेवल पर पुट राइटर थे, और यहाँ पर 300 के लेवल पर कॉल राइटिंग हो रही थी, ठीक है, वो इंटैक्ट थी कॉल राइटिंग। इसीलिए निफ्टी क्या कर गया, यहाँ से क्रैश कर गया निफ्टी। आप लोग अगर देखो निफ्टी को, आपको चार्ट अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो 300 का जो लेवल है वो ये लेवल है, ठीक है। निफ्टी बस इसके ऊपर ट्रेड करता रहा, थोड़े टाइम के लिए ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से एक बार बायर ने कोशिश की और नीचे उसको इन द एंड में गिरा दिया। तो ये ही रजिस्टेंस था हमारे लिए, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था निफ्टी में। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस इसी एरिया के पास निकल कर आ रहा था, और निफ्टी वहां तक ही गया, ठीक है, एग्जैक्टली वहां तक ही गया, और फिर ये नीचे आपको एक पुट साइड का ट्रेड मिला होगा। तो ये नीचे से कॉल और ऊपर से पुट का क्या फंडा है, ये हम कैसे जान सकते हैं, चार्ट ऑफ करेंसी 1.0 में हम लोगों को इसे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, रजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट स्ट्रांग है। वहां पर भी उस समय 11 बजे के आसपास, 11 बजे के पहले ही सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों ही अपने आप में बेहद ज्यादा स्ट्रांग थे। तो चार्ट ऑफ करेंसी 1.0 का जो सिनारी नंबर 1 है वो हमें दिखाई देता है कि सपोर्ट अगर स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है, तो हम लोगों को क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमें कॉल की खरीदारी करनी चाहिए, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हमें पुट की खरीदारी करनी चाहिए अगर दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है, और सपोर्ट कैसा दिख रहा है, हमें सपोर्ट भी हमें स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है सपोर्ट भी हमें स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट लेना है और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये ड्राइंग में सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, और जो 15 मिनट के चार्ट में हम लोग अगर निफ्टी को देखें, तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यही पर निकल कर आ रहा था, ये रहा हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम रेड कलर से नोटिफाई करेंगे दिखाएंगे, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की अगर बात करें, तो 250 के लेवल के पास ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, पर लगभग ये 250 के लेवल के पास ही ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो आ रहा था। तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रहा,
ठीक है, मॉर्निंग में यही था। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो मॉर्निंग में यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ऊपर गया, फिर से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस लिया, वहां से एक गिरावट आई, फिर से सपोर्ट से एक ऊपर का पुल बैक मिला हमें, और फिर से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हमें निफ्टी दिन भर नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। तो ये कमाल होता है चार्ट ऑफ करेंसी 1.0 में देखने के लिए मिलता है, जब हमें दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखाई दे। ठीक है, जब दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्यों या रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया और सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये कब ब्रेक कर जाता, ब्लड बाथ कब होता है यहाँ पर, जब इन दोनों में से कोई एक सिनारियो होता, 6 नंबर का और 7 नंबर का। ये मैं इन डिटेल में सिखाता हूँ कम्युनिटी में, आप लोग इसको कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्लियरली दिख रहा है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है और ये वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के बाद हम क्या करते हैं, पुट की बाइंग करते हैं, और वीक टुवर्ड्स टॉप होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉल की बाइंग यहाँ पर करते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। ठीक है, वीक टुवर्ड्स टॉप होने के बाद। ठीक है, ये सिनारियो आज का जो था 1 नंबर का ही सिनारियो था, जहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, इसीलिए ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर पाया। मॉर्निंग में ही मैंने लाइव में बता दिया था ये इसी रेंज के अंदर घूम सकता है इस तरीके से। ठीक है, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो दोनों ही केस में अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या ट्रेड करेंगे यहाँ पर, अगर आपके पास एलटीपी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको वैसे भी बताऊंगा विदाउट एलटीपी कैलकुलेटर आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, हमें एक सपोर्ट मिला था यहाँ इस लेवल पर, एक सपोर्ट था निफ्टी के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, तो दो सपोर्ट हमें मिले थे। अब क्या हुआ है, वो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है, अभी नया सपोर्ट मिल चुका है। ठीक है, इस लोग यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि निफ्टी बार बार इसी एरिया में सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, इस एरिया में। ठीक, इसी एरिया में निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब मंडे के दिन आप लोगों को ये दो लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, एक तो ये सपोर्ट की लाइन और दूसरी जो है वो यहाँ से लेकर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। आगे हम एक्सटेंड करेंगे इसको, और ट्रेंड लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे यहाँ से। इस तरीके से आप लोगों को एक ट्रायंगल बना लेना है। अब हो क्या सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फिर ये इसी रेंज में घूमेगा, ठीक है, ऊपर नीचे करता रहेगा, और सिनारियो अगर चेंज हुआ, मार्केट का सिनारियो अगर चेंज हुआ, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर अब ये क्रिएट कर चुका है 600-500 के पास। तो अभी हमें फिलहाल के लिए निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी में हमें फिलहाल की रेंज हमें दिखाई दे रही है कि वीकली रेंज होने वाली है 550-560 के पास, हमें 600 के पास हमें दिखाई दे रही है। 566 पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जो है वो 200 पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल निफ्टी में करंट रेंज जो है वो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 300 पर, सपोर्ट भी हमें दिखाई दे रहा है 300 पर। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही ट्रेड चलेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, दोनों से ही हम लोग क्या करेंगे, कॉल और पुट की खरीदारी करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रेंज, जो बॉक्स बना हुआ है वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग बॉक्स को, हम लोग इस आज के दिन का हाई मार्क करेंगे इस तरीके से, और आज के दिन का लो मार्क करेंगे। यहाँ पर हम लोग हाई और लो मार्क कर चुके हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हाई और लो मैंने मार्क कर दिया। अभी हो क्या सकता है, इस रेंज में अगर आपको घूमता हुआ दिखे थे, आप लोगों को यहाँ से कॉल की बाइंग करनी है, ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से जो है वो पुट की बाइंग करनी है, ये नीचे वापस चला आएगा सपोर्ट पे। ठीक है, यही ट्रेड होने वाला है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये कब काम आएगा, जब मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा होल्ड करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगा, और अगर इसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है, इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो मार्केट आपको कहाँ पर जाता हुआ दिखेगा, 200 पर जाता हुआ दिखेगा निफ्टी में। ठीक है, इस तरीके से निफ्टी में ट्रेड होने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी उतना ज्यादा निगेटिव नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बहुत नीचे है, और बैंक निफ्टी उस सपोर्ट के पास अभी आया नहीं है, वो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए ऑप्शन सेलर क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में आप लोग क्या कर सकते हो, 45,000, 44,800, 44,600, ये सारे कॉल सेल करके रख सकते हो। और पुट में क्या कर सकते हो, 43,600 का पुट, ठीक है, 43,700 का, 43,800 का,
ये सारे पुट आप लोग क्या कर सकते हो, सेल करके रख सकते हो, मतलब स्ट्रैंगल बना करके रख सकते हो यहाँ पर। ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट होने वाला है। आज के सपोर्ट की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आज का सपोर्ट ये यहाँ पर 44,000 के पास ही बैंक निफ्टी को अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रिप लाइन जो है वो ऊपर से नीचे आती हुई हमें दिखाई दे रही है। इस तरीके से ये लाइन ऊपर से नीचे आती हुई दिख रही है, ये भी आप लोग ड्रॉ करके रख सकते हो। फिलहाल के लिए रजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी को, ये गैप के आसपास का रजिस्टेंस बैंक निफ्टी को होने वाला है। तो इस लोगों को हम इस लाइन को आप लोग क्या करो, ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लो। अब हो क्या सकता है, यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ये मार्केट घूमता हुआ दिखे। अगर इसने 44,000 गलती से ब्रेक कर दिया तो सीधा आपको कहाँ पर मिलेगा, 43,700 के और 600 के पास ये यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग आया तो हमें जाता हुआ दिखेगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है, गैप फिल करने के लिए जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, इस तरीके से ये हो सकता है। इसके अगर एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोग अगर बात करें, एलटीपी कैलकुलेटर में अगर हम बात करें तो सपोर्ट देखो WTT बता रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो WTB बता रहा है। इस केस में हम लोग यहाँ पर निफ्टी में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते, फिर भी मैं आपको ट्रेड करने का तरीका दे रहा हूँ कि आपको सपोर्ट के ऊपर कॉल की खरीदारी करनी है और रजिस्टेंस के ऊपर आपको क्या करना है, पुट लेना है। यहाँ से ये मार्केट नीचे ऊपर जा सकता है। मुझे बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा साइडवेज लग रहा है, यहाँ पर ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। या तो इसको ये लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलने दो या फिर इसको नीचे आने दो, हम लोग क्या करेंगे वहां पर सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये सीन रहेगा। फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा ही ट्रेड कर रहा है, सेम कॉपी पेस्ट है इसका। तो यहाँ पर इसको सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमें, फिन निफ्टी में भी सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो फिन निफ्टी का सपोर्ट है इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस बहुत खास नहीं है, ये अगर ब्रेक किया तो ऊपर ये जा सकता है, यहाँ तक 19,900 तक ये जा सकता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें हम लोग तो नेक्स्ट सपोर्ट इसको कहाँ पर रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए एक बार मिल सकता है। फिर निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, अगर ये ब्रेक किया तो ही ये ऊपर नीचे की साइड में आएगा, फिर से एक अच्छा सपोर्ट फाइंड करके ऊपर जा सकता है और रेजिस्टेंस का एरिया यही होने वाला है, ठीक है। ये 700 से लेकर 800 के बीच में ही एक रेजिस्टेंस एरिया में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसी रेंज में फिन निफ्टी भी ट्रेड करने वाला है। तो आप लोग देखना, अगर किसी एक रेंज को अगर ये एग्रेसिवली ब्रेक करता है, मतलब ऊपर के साइड अगर ये एग्रेसिवली ब्रेक करता है और नीचे की साइड एग्रेसिवली ब्रेक करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्शन मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलते रहे और आप मेरे साथ YouTube लाइव में मॉर्निंग में जुड़ सको। चलो आज के वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको मॉर्निंग वीडियो में लाइव में मंडे को। तो तब तक के लिए जय हिंद।